गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवी के विषय गणित के अंतर्गत अध्याय दो पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संख्याएं। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यहाँ पर मैंने लिखा है डब्लू बराबर जीरो कॉमा एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से संख्या हमारी जा रही है। तो देखिये मैंने यहाँ पर लिखा है एक से लेकर जितनी संख्याएं हैं उसे हमने प्राकृत संख्या के समूह कहा है। तो प्राकृत संख्या मैंने आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ाया था कि गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है जिसमें हम लिखते हैं एक दो तीन चार, इस तरह से संख्या जो हमारी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या एक से चालू है और पूर्ण संख्या मैंने कहां से लिखा है, जीरो से। तो जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, तो कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है इसलिए पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हुई, प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है जिसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं जिसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं का योग, इसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्या लिखा मैंने, चार धन पांच, ठीक है। तो चार धन पांच को हमको क्या करना है, संख्या रेखा में बनाना है। तो आप जानते हैं चार और पांच को जोड़ने से कितना आना चाहिए, नौ आता है ना। तो ये कैसे आता है, हमेशा देखिए मैंने इस तरह से स्केल बनाया हुआ है जिसमें जीरो से लेकर दस तक के अंक लिखे हुए हैं, आपके स्केल में भी इसी तरह से बना होगा, ठीक है। तो हमेशा हमको कहाँ से स्टार्ट करना रहता है, जीरो से स्टार्ट करना, जीरो के बाद से एक दो तीन चार, ठीक है। तो जीरो में हम चार को जोड़ते हैं तब हमारा चार आएगा, ठीक है, और चार में फिर पांच जोड़ेंगे तब हमारा नौ आएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, संख्या रेखा में बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से ही करना है, ठीक है। तो जीरो में पहले कहाँ जाना है, चार में जाना है। तो जीरो से चार हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जीरो में हम चार जोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम कहाँ से चालू किए, जीरो से, किस तरफ गए हैं, चार की तरफ गए हैं। तो इस तरफ का एरो का निशान लगाएंगे क्योंकि हम इस तरफ से गए थे, ठीक है, और क्या किए हैं, चार को जोड़े हैं तब हमारा चार प्राप्त हुआ है। अब हमको क्या करना है, चार में वापस पांच को जोड़ना है। तो ये चार और ये पांच नहीं लेना है, ठीक है, चार में पांच जोड़ना है। तो एक दो तीन चार पांच, हम तब हम कहाँ पहुंचेंगे, नौ में पहुंचेंगे। तो वापस से हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जीरो से चार में आ चुके हैं। तो चार से वापस फिर आगे की ओर बढ़ेंगे नौ की ओर। तो चार में हमने पांच को जोड़ा है तब जाके हमने नौ पहुंचेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एरो का निशान भी लगाना है और धन चार धन पांच भी लिखना होगा। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं का घटाना, यानी कि हमको क्या करना है, इन संख्या को घटाना है। तो हमको क्या करना है, आठ में से तीन घटाना। तो आप जानते हैं आठ में से तीन घटाएंगे कितना आएगा, पांच आएगा, ठीक है। इसे हमको क्या बनाना है, संख्या रेखा में बताना है। तो कैसे किए, कि जीरो में हम क्या करेंगे, आठ को पहले जोड़ेंगे, ठीक है, तब हमारा आठ प्राप्त होगा। फिर आठ में तीन को घटाएंगे तब हमारा पांच प्राप्त होगा। इस तरह से, तो इसे हम संख्या रेखा में बनाएंगे। तो हमको स्टार्ट करना है जीरो से, ठीक है। तो जीरो में सबसे पहले तो आठ हम जोड़ेंगे, ये हो गया, जीरो में आठ जोड़े, ऊपर की तरफ जाना है, धन आठ लिखे, ठीक है, ये तो हो गया, आठ पहुंच गया। अब आठ में क्या करना है, हमको तीन को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, यदि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा जोड़ना हो जाएगा, हमको घटाना है, हमको कहाँ लाना है, पांच में लाना है। तो पांच हमारा आठ के पहले आएगा। तो देखिए एक दो तीन, इस तरह से, ठीक है। तो आठ में हमको क्या करना है, तीन को घटाना है तब हम क्या करेंगे, पांच में पहुंच पाएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, जीरो में जब मैंने आठ को जोड़ा है तो मैंने धन आठ लिखा है, और आठ में तीन को घटाएंगे तभी हम पांच में पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस तीन लिखना है। जब जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाना है और जब घटाएंगे तो नीचे की तरफ से, इस तरह से आपको संख्या रेखा में बनाना है।